हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, मेरे चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, आपको पे करना ही होगा। चलो सॉल्व करता हूँ। मेरे को गिवन दैट एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस के टू एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। मैंने यहाँ से क्या किया भाई, इसको उधर ले करके गया। मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के टू एक्स वाई इंटू डी वाई। मैंने डी वाई के बटे में डी एक्स किया, इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बटे, ये माइनस का टू एक्स वाई से डिवाइड कर दिया, टू एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद ये बचा वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर ऊपर बटे माइनस के टू एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू निकली, डी वाई बाई डी एक्स का जो रिजल्ट निकला बेटा, वो ये निकला वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बटे टू एक्स वाई। ये क्या है, दिस इज इस स्टेप की पावर दो, इस स्टेप की पावर दो, नीचे वाले स्टेप की पावर दो, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है। अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा भाई, मैं पुट करूँगा वाई इज इक्वल टू वी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी पुट करूँगा मैं। नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इन अबव इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर मैंने ये वैल्यू पुट की, क्लियर। देखो इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, जो कि है मेरे पास वी प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, वाई इज इक्वल टू मैंने पुट किया वी एक्स का कंप्लीट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे टू एक्स वाई की वैल्यू वी एक्स, क्लियर। यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ भाई। यहाँ से जो मेरा अगले वाला स्टेप निकला वो ये निकला वी प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये हुआ वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बटे टू वी एक्स स्क्वायर। अब मैंने यहाँ से क्या किया भाई, यहाँ से ऊपर से एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया और इसको सॉल्व किया, यही लिख रहा हूँ इधर ही, ये हुआ वी प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद कितना बना मेरे पास, एक बार जूम कर लूँ, रुको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ओके कितना बना भाई, वी स्क्वायर माइनस के वन बचा यहाँ, वी स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर इंटू टू वी, इससे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये मेरे पास बना वी प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू वी। इसको उधर लेकर के जाऊंगा और यहाँ से अगले वाला रिजल्ट मैं कैलकुलेट कर लूँगा, ज़रा देखना क्या निकल करके आएगा मेरे पास। यहाँ से मेरे पास बना एक्स इंटू
डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वन बटे टू वी और ये माइनस का वी। क्लियर? यहाँ से मैं आगे चला, निकल कर के आया मेरे पास एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू दो वी, मैंने एलसीएम ले लिया, ये हुआ वी स्क्वायर माइनस वन माइनस दो वी स्क्वायर। दो वी स्क्वायर के अंदर से एक वी स्क्वायर कैंसिल, ये बना मेरे पास एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन माइनस के वी स्क्वायर अपॉन टू वी। मैंने यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लिया, इसको लिख सकता हूँ एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन, ये बना मेरे पास वन प्लस के वी स्क्वायर बटे टू वी। चरों का पृथक्करण कर रहा हूँ यानी बाई यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल। नाउ बाई यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल चरों के पृथक्करण से x वाला पोर्शन एक तरफ, v वाला पोर्शन एक तरफ। देखो कैसे करूँगा, ये हो जाएगा 2v, ध्यान से देखना 2v बटे 1 प्लस के वी स्क्वायर और ये रहा मेरा माइनस का साइन इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। क्लियर? मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूँगा, मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। जैसे ही मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूँगा ये निकलेगा माइनस इंटीग्रेशन टू वी बटे वन प्लस के वी स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। यहाँ से आगे चलते हैं भाई, यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया वो ये निकला माइनस इंटीग्रेशन टू वी डी वी बटे वन प्लस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स। इसका डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ है। ओके, यहाँ से मैं आगे की तरफ चलता हूँ, देखो किसका डिफरेंशिएशन कौन सा रखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट वन प्लस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वी, वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये निकला डी ओवर डी वी वन प्लस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी ओवर डी वी। जब इसको डिफरेंशिएट करूँगा ये निकलेगा इधर टू वी इज इक्वल टू डी टी ओवर डी वी, मैंने क्रॉस गुणा किया जो कि निकला टू वी इंटू डी वी इज इक्वल टू डी टी। मैं ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सपोज दैट ये इक्वेशन ए है, मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग टी इज इक्वल टू वन प्लस के वी स्क्वायर एंड टू वी डी वी इज इक्वल टू डी टी इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए के अंदर मेरे पास रिजल्ट बना माइनस इंटीग्रेशन टू वी डी वी की वैल्यू आई डी टी बटे वन प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू है टी। ओके, और इधर कितना बना इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स। जैसे ही मैं बोथ साइड इंटीग्रेट करूँगा ये निकल करके आएगा माइनस के लॉग टी इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ले लिया मैंने लॉग सी, टी की वैल्यू डाली। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग टी इज इक्वल टू वन प्लस वी स्क्वायर सो दैट मेरा जो इंटीग्रेशन बना कितना बना भाई, इसको देखो भाई, ये बना माइनस के लॉग टी की वैल्यू वन प्लस के वी स्क्वायर ओके इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस के लॉग सी। यहाँ देखे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके ऊपर लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा
और लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा, ज़रा ध्यान से देखना, इसको उधर ले करके जाऊंगा, इसको एक तरफ दूसरी तरफ लाऊंगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, ये इधर लाया माइनस के लॉग सी इज इक्वल टू, ये उधर जा करके हुआ लॉग एक्स प्लस के लॉग वन प्लस के वी स्क्वायर। यहाँ देखे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आगे चलता हूँ भाई, अब मैं अगले वाले स्टेप की तरफ। इसमें हमारे पास फार्मूला होता है लॉग एक्स प्लस के लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई, एक तो फार्मूला ये होता है, एंड माइनस के लॉग सी, इसको लिख सकता हूँ बेटा लॉग सी की पावर माइनस वन, अर्थात लॉग वन अपॉन सी। दोनों कंसेप्ट का मैंने यूज़ किया इसके अंदर, तो माइनस लॉग सी को लिखा गया लॉग एक बटे सी इज इक्वल टू, इन दोनों पर लॉग प्रॉपर्टी लगाई लॉग एक्स इंटू वन प्लस के वी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। क्लियर है ना, कितना निकल करके आया यहाँ से भाई, ये निकला वन अपॉन सी इज इक्वल टू एक्स इंटू वन प्लस के वी स्क्वायर। आपको पता है सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मैं इसको नया कांस्टेंट पुट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सुपोज दैट, भाई कांस्टेंट को तो कुछ भी रखा जा सकता है, सुपोज दैट वन अपॉन सी इज इक्वल टू ए, कांस्टेंट क्वांटिटी है, आप कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हुआ ए इज इक्वल टू एक्स इंटू वन प्लस के वी स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। बट मेरे पास वाई इज इक्वल टू कितना था, वी एक्स था, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी निकली, y अपॉन x। मैं कह रहा हूँ कि नाउ पुटिंग v इज इक्वल टू y अपॉन x इन अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर मैंने वैल्यू डाली, रिजल्ट देखता हूँ क्या आता है, a इज इक्वल टू x इंटू वन प्लस, ये हुआ ऊपर वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। मैंने इसको सॉल्व किया, ए इज इक्वल टू एक्स इंटू एलसीएम लिया एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, एक एक्स से एक्स कैंसिल, इस एक्स की गुणा इसके साथ कर दी, ये निकला ए एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, एंड दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। ओके, आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, मैं हेल्प करूँगा। परमानेंट मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरी प्ले स्टोर के ऊपर एक जेड एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है, आप वहाँ मेरे से परमानेंट जुड़ सकते हो, कोर्स भी परचेज कर सकते हो। लेकिन फिर कह रहा हूँ, ना मेरे चैनल के ऊपर ना मेरे एप्लीकेशन के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, आपको कॉपी पेन पेपर का पैसा तो देना ही होगा, भले ही एक यूट्यूब फ्री प्लेटफॉर्म हो जहाँ से आपको कंटेंट मिलता है, आप वहाँ से ले सकते हो, मेरे यहाँ फ्री नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहना चाह रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स इंटू एक्स माइनस के वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसको हल करने जा रहा हूँ। गिवन दैट एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स, मैंने यहाँ से dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली, ध्यान से देखना, इसके बटे में इसको डाल रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ, dy के बटे में डाला मैंने dx एक्स इज इक्वल टू, इस dy के बटे में ये dx डाल दिया, इस क्वांटिटी के बटे में ये क्वांटिटी चली जाएगी, बराबर निकलेगा y इंटू एक्स प्लस के वाई बटे एक्स इंटू एक्स माइनस के वाई। क्लियर, अब ज़रा यहाँ देखो, आप हर एक स्टेप की पावर बराबर है,
अगर इसकी गुणा इसके साथ करते हो तो इस स्टेप की पावर दो, इस स्टेप की गुणा इसके साथ करते हो वाई स्क्वायर पावर दो, नीचे वाले की पावर दो, अगले वाले स्टेप की पावर दो। ओके दिस इज क्या है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हर स्टेप की पावर बराबर है। दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर, मैं कह रहा हूँ कि नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इन अबव इक्वेशन, ओके मैंने वैल्यू डाली, ये मेरे पास निकल करके कितना आया भाई, ये हुआ वाई की डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वी प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी पुट की मैंने वी एक्स पुट की, ओके चलो वाई की वैल्यू डाली मैंने वी एक्स और ये हुआ एक्स प्लस वाई की वैल्यू डाली वी एक्स बटे एक्स इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू वी एक्स। क्लियर, यहाँ से आगे चलता हूँ, वी प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू अंदर से एक्स कॉमन ले लिया, ये हुआ वी एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना बचा वन प्लस के वी आपके सामने है बटे यहाँ से एक्स कॉमन लिया, ये हुआ एक्स स्क्वायर वन माइनस के वी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं और देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है भाई, जैसे मैं यहाँ से आगे की तरफ बढ़ूँगा और रिजल्ट नोट करूँगा, देखता हूँ व्हाट इज माय नेक्स्ट रिजल्ट। तो यहाँ से मेरे पास निकल करके आया भाई, ये हुआ वी प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू वन प्लस के वी बटे वन माइनस के वी। क्लियर है ना, अब यहाँ से आगे चलते हैं भाई और देखते हैं रिजल्ट कितना बनता है। मैं इसको उधर ले करके गया, ये हुआ एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी वन प्लस वी बटे वन माइनस वी माइनस के वी। यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया, एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू पहले इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो वी प्लस के वी स्क्वायर माइनस के कितना निकला, माइनस के वी निकल गया और माइनस माइनस प्लस के वी स्क्वायर। क्लियर, और हुआ वन माइनस के वी, एक वी से कैंसिल आउट, कितना बना मेरे पास, ये हुआ एक्स इंटू डी वी बटे डी एक्स इज इक्वल टू दो वी स्क्वायर बटे वन माइनस के वी। अगले वाले कंसेप्ट की तरफ चलता हूँ, यहाँ से मैंने क्या किया, वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ करूँगा बाई यूजिंग वेरिएबल एंड सेपरेबल। ये हुआ मेरे पास, चलो खैर एक बार इक्वेशन लिख लूँ पहले मैं, एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू दो वी स्क्वायर बटे वन माइनस के वी। यहाँ से आगे चलता हूँ, मैंने इसको लिखा वन माइनस के वी, वेरिएबल सेपरेट किए मैंने इसमें से, ये हुआ वन माइनस के वी बटे टू वी स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बटे एक्स, डी एक्स बटे एक्स, एक्स वाला पोर्शन अलग कर दिया, वी वाला पोर्शन अलग कर दिया। यहाँ से मैं कर सकता हूँ इसको अलग अलग के बटे में डाला, ये निकला डी वी बटे टू वी स्क्वायर टू वी स्क्वायर माइनस वी इंटू डी वी बटे टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बटे एक्स। मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहा हूँ,
रिजल्ट देखता हूँ कितना आता है। मैं इंटीग्रेट बोथ साइड किया, इंटीग्रेट बोथ साइड, मेरे पास रिजल्ट कितना बन गया भाई, इधर बना इंटीग्रेशन डी वी बटे टू वी स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन एक वी से वी कैंसिल वन अपॉन टू डी वी बटे वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स वन अपॉन टू। तो ये है भाई, इस दो को उधर ले जाऊँ आप, इस दो को उधर ले करके जा रहा हूँ, एक बटे दो तो ये है। यहाँ देखो ये हुआ इंटीग्रेशन डी वी बटे वी स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन डी वी बटे वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स, दो से गुणा इधर कर दिया मैंने, ये निकला इंटीग्रेशन डी वी इंटू ऊपर जाने के बाद वी की पावर माइनस के टू माइनस इंटीग्रेशन डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू टू इंटू इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स, इस दो की गुणा इधर कर दी। जब मैं पहले वाले स्टेप को इंटीग्रेट करूँगा कितना निकलेगा, ये निकला v की पावर माइनस टू प्लस वन बटे माइनस टू प्लस वन माइनस अगले वाला इंटीग्रेशन log v इज इक्वल टू ये निकल गया टू log x, क्लियर टू log x आ चुका, इज इक्वल टू आप प्लस c ले लो टू log x प्लस आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट c। ओके अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं भाई, मैंने इसको सॉल्व किया, देखता हूँ कितना निकलता है ये। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ये निकल करके आया माइनस वन अपॉन वी, ध्यान से देखो माइनस के वन अपॉन वी और माइनस के लॉग वी इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ लॉग एक्स स्क्वायर, क्यों फार्मूला होता है लॉग एक्स की पावर वाई बराबर वाई लॉग एक्स, ठीक फार्मूला होता है ना, और प्लस के कितना सी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आगे चलते हैं यहाँ से, इसको मैंने क्या किया भाई, इसको उधर लेकर के गया और इसको इधर लाया, देखता हूँ क्या निकलता है। इसको मैंने लिखा माइनस के वन अपॉन वी इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस के लॉग वी प्लस के सी, लॉग वी है बेटा ये, लॉग वी प्लस के सी माइनस के वन अपॉन वी इज इक्वल टू, इसमें लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई करी लॉग एक्स स्क्वायर इंटू वी प्लस के सी, क्यों फार्मूला होता है लॉग एक्स प्लस के लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू वाई, जानते हो आप बट वाई इज इक्वल टू कितना था वी एक्स था तो वी बराबर कितना निकलेगा वाई अपॉन एक्स, नाउ पुटिंग वी इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स इन अबव इक्वेशन मेरे पास रिजल्ट कितना बना माइनस वन अपॉन वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस के सी, ये ऊपर पहुंच गया माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग एक एक्स से एक्स ख़त्म एक्स वाई प्लस सी। अब चाहो तो इसको रिसेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। राइट हैंड ने जो आंसर मैच किया हुआ है मैं मैच कर दूंगा, इस सी को इधर ले जाओ उसको उधर ले जाओ, ये हो जाएगा माइनस के सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन वाई, माइनस सी को नए कॉन्स्टेंट में बदल लो
सपोज दैट माइनस सी इज इक्वल टू आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है, भाई आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है, इसको मैंने नए आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है मैं सपोज कर लिया, सपोज दैट आंसर मैच करने वाली बात है वरना ये सही है बेटा, दिस इज राइट आंसर। इसको मैंने ए लिखा, ए इज इक्वल टू हुआ लॉग एक्स इंटू वाई प्लस एक्स अपॉन वाई, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। लेकिन फिर कह रहा हूँ भाई, फ्री नहीं तो नहीं, अच्छा लगे या बुरा लगे तुम लोगों को, मेरा टाइम भी जाता है, मेरे पैसे भी लगते हैं भाई। चलो बाय।